चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो स्टार्ट हम करने वाले हैं उसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? तो पहला सवाल है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसको समझाने के लिए हमारे पास जो थ्योरी आई थी उसमें से एक का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक का नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। MOT क्या था? MOT। MOT क्या नाम था? MOT। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अगले साल 12th में। और इसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाती है। फिर अगला सवाल, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को किस तरह समझाती है? तो एक फिनोमेना के थ्रू समझाती है और उस फिनोमेना का नाम है ओवरलैपिंग। यानी बेसिकली आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग पढ़नी है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाती है थ्रू ओवरलैपिंग। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? तो ये नोट करके लिखना कि भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाती है थ्रू ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या होती है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में एक दूसरे के पास आकर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन वाले, स्पिन अलग अलग है, अपोजिट स्पिन वाले एक दूसरे के पास आकर एक कॉमन एरिया बना लेते हैं। इस कॉमन एरिया को ओवरलैपिंग एरिया कहा जाता है। इस कॉमन एरिया को ओवरलैपिंग एरिया कहा जाता है और यही ओवरलैपिंग एरिया कोवेलेंट बॉन्ड को समझाता है। 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 दोबारा से सुनना, क्या बोला उन्होंने VBT वालों ने? कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो अपोजिट स्पिन वाले, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन वाले, ये दोनों एक दूसरे के पास आकर के एक कॉमन एरिया बनाते हैं और इस कॉमन एरिया को ओवरलैपिंग एरिया कहा जाता है। ये ओवरलैपिंग एरिया ही कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये ओवरलैपिंग एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उतना ज़्यादा हम बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है, यानी उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, तो फुल्ली फील्ड जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती, खाली जो है उनकी भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ओवरलैपिंग हमेशा किस में होगी? ऐसे ऑर्बिटल्स में होगी जिनमें अपोजिट स्पिन वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनमें होगी जिनमें अपोजिट स्पिन वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसका मतलब नोट करके लिखेंगे, ओवरलैपिंग फिनोमिना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, इसलिए ओवरलैपिंग में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स और वैकेंट ऑर्बिटल्स का कोई रोल नहीं है। लिखो, ओवरलैपिंग में अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हैविंग अपोजिट स्पिन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यानी VBT में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ऑर्बिटल नहीं, इसलिए फुल्ली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का कोई मीनिंग नहीं है। डायग्राम बना भी देगा तो आपको बोलना है दैट इज नॉट ओवरलैपिंग। क्लियर? तो चार ऑप्शन ऐसे आएंगे और यहां लिखा होगा
पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा होगा ऑल ऑफ दिस। और ऑप्शन में क्या पूछा गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आंसर आएगा फर्स्ट, ये नहीं, यहाँ पर क्रॉस नहीं बनाएगा, ऐसा बना के दे देगा ऐसा डायग्राम, तो आप बोल देंगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको समझ में आ गया कि भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ नहीं होता है, ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, पास आने के बाद एक कॉमन एरिया बनाते हैं, इस कॉमन एरिया के अंदर ओवरलैपिंग एरिया कहलाता है, ये इस में ओवरलैपिंग एरिया जितना ज़्यादा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब ये एक दूसरे के पास कैसे आते हैं हमको वो समझना है। तो ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक एक्सियल और एक साइडवेज। एक्सियल को हेड ऑन कहते हैं, इस साइडवेज को कोलेट्रल भी कहते हैं। एक्सियल को हेड ऑन कहते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग को कोलेट्रल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इससे जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, इससे जो बनता है वो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। उससे जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इससे जो बनेगा वो पाई बॉन्ड। उससे जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इससे जो बनेगा पाई बॉन्ड। अब कैसे बनता है वो देखना, इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या बोल रहा है वो, कि अगर एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स, तो यहां पर जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब समझना। जैसे मान लो सुपरमैन को देखा ना आपने, सुपरमैन आता है ऐसे, तो जो सुपरमैन उड़ रहा है वो एक्सिस आ गई एक्स। तो इस तरह से बोला जाता है कि जब अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स आकर के ओवरलैपिंग करेंगे, अलोंग द एक्सिस, ये एक्स के अलोंग आ रहा है देखो, और आपस में मिलेंगे तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी हेड ऑन, और इसी हेड ऑन से बनेगा सिग्मा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मानी है तो जो ऑर्बिटल एक्स पर होंगे वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आप वाई भी मान सकते हो, अगर आपने वाई माना तो वाई के अलोंग जो आएंगे ऑर्बिटल वो आपके सिग्मा बनाएंगे। आप जेड भी मान सकते हो, आप जेड के अलोंग आएंगे अगर तो फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये आपके ऊपर होता है। तो इसलिए ये दिया जाता है हमेशा, आप एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कुछ भी लो, तीन एक्सिस होती हैं, ये हमेशा ध्यान रहेगा। तीनों एक्सिस के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, 1 2 3, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है ये। तीनों एक दूसरे से कहाँ होती है, 90 डिग्री पे। तीनों एक दूसरे से कहाँ होती है, 90 डिग्री पे। तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। तो अगर x आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है तो अपन सोचते हैं कि क्या होगा। तो s ऑर्बिटल की बात पहले करते हैं। s ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है जो तीनों एक्सिस पर रहता है, x, y और z। तो हम पहले ओवरलैपिंग करा रहे हैं x एक्सिस पे s ऑर्बिटल की। ये s ऑर्बिटल ऐसा x जो तीनों ही जगह होगा, अगर ये तीनों जगह होगा तो एक्सिस पर रहेगा तो एक्स एक्सिस पर भी रहेगा, तीनों जगह होगा तो एक्सिस पे होगा और एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस पर भी रहेगा। अब जब ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो ये पास आके कॉमन एरिया बनाएगा ऐसे। अगर एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल आकर के बना रहा है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ओवरलैपिंग कौन सी हुई, एस एस। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर कि ये एस ऑर्बिटल है, तीनों एक्सिस पर है, ये एक्स पर भी है, और मैं यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल ले आया,
अब मेरा सवाल है कि जो पी ऑर्बिटल में यहाँ लाया, ये पी ऑर्बिटल कौन सा होगा? सोचो, ये इधर से इधर जा रही है न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये एक्स है तो ये एक्स ही होगी, और ये एक्स होगी तो ये पी एक्स ही होगा। अब ये पी एक्स मिलेगा तो हेड ऑन हुआ नहीं हुआ, देखो आप, तो ये हेड ऑन हो गया। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी? एस पी। अगर मान लो मैं ये ये आपका क्या होगा x, ये भी x, तो ये कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा? पी एक्स। ये ऑर्बिटल कौन सा कहलाएगा? पी एक्स। ये अगर दोनों मिलेंगे तो बोलो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पी पी ओवरलैपिंग। कौन सी होगी? पी पी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? पी पी। तो हमारे पास तीन तरह की ओवरलैपिंग आई, पहला एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा एस पी ओवरलैपिंग, तीसरा पी पी ओवरलैपिंग। दोबारा बोलो, कौन सी ओवरलैपिंग आई? एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग। ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। इसको बोला जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। क्लियर? नोट करो इसको। क्लियर सबको? अब देखो, अब अगला आएगा एक सवाल। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस एस ओवरलैपिंग? सोचो, अब देखो कैसे करते हैं इसको।
आपसे बोला एस एस ओवरलैपिंग, तो हाइड्रोजन का लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s1, सीएल का कॉन्फ़िगरेशन निकाले अगर 3s2 3p5, दिमाग लगाओ आप, अगर ये और ये मिलेंगे, ये और ये मिले तो एस मिलेगा और इसका पी मिलेगा, तो ये एग्जांपल तो हुआ एसपी ओवरलैपिंग का। सीएल की बात करो, अगर मान लो सीएल कहेंगे तो ये 3p होगा, दूसरा सीएल भी 3p होगा, तो 3p 3p यानी कि सीएल सीएल यानी कि पीपी पीपी ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1, तो दूसरा भी हाइड्रोजन ही है, तो क्या आएगा वहां पे एस एस, तो आएगी एस एस ओवरलैपिंग, तो आंसर आएगा H2। चेंज कर लेता अगर मैं इस सवाल को और बोलता है यहाँ SP ओवरलैपिंग का एग्जांपल बताओ, तो एस और पी ओवरलैपिंग आती। अगर मैं चेंज करता बोलता पीपी ओवरलैपिंग का एग्जांपल बताओ, तो ये आपकी पीपी ओवरलैपिंग आती। क्लियर? अब एक डाउट आपको आएगा कि जब सर ये वाला स्पिन होगा और ये भी स्पिन होगा, तो देखो अगर आप सीएल सीएल की ओवरलैपिंग कराना चाहते हो यहां पे, तो आपको दूसरा सीएल ऐसे बनाना पड़ेगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाओगे, तो आपको लगेगा सर ये तो सेम स्पिन आएंगे तो कैसे बनाएंगे ओवरलैपिंग। तो ये अंडरस्टूड होता है कि जब ये ऑर्बिटल इसके पास जाएगा तो अपना स्पिन चेंज कर लेगा, क्योंकि पाउली रूल फॉलो करना था उसको, पाउली के हिसाब से एक ऑर्बिटल में दो अपोजिट स्पिन वाले ही आएंगे, तो अपने आप ही अंडरस्टूड होता है कि वो फॉलो कर लेगा। तो आप इस तरह के डाउट अपने मन में मत लाना कि इसका स्पिन सेम है, इसका स्पिन सेम है, और VBT ने कहा था अपोजिट स्पिन वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर सर हमें नहीं समझ में आया। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि ये अपने आप ही अपोजिट स्पिन हो जाएगा अगर ये आपस में पास आ रहे हैं, तो ये कन्वेंशन माना गया है, जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल अगर दो इलेक्ट्रॉन रखेगा तो पाउली फॉलो करेगा, तो इसका मतलब स्पिन अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के डाउट्स आपके मन में ना लाएं। ठीक है, अब देखो इधर, अगला आएगा अब साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या आएगा? साइडवेज ओवरलैपिंग। अब साइडवेज ओवरलैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही बोल रहा हूं कि इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, अब साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है? देखो हमने कहा था कि एक्सियल ओवरलैपिंग होती है अलोंग द एक्सिस यू, लेकिन साइडवेज होती है परपेंडिकुलर द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल आएंगे तब मिलेंगे, यानी साइडवेज ओवरलैपिंग तब होगी जब ऑर्बिटल आकर ऐसे मिलेंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने यहां पर एक्स लिखा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो मैंने आपको बताया था तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, मैंने आपको बताया कि तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, मैंने बताया कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो मैंने यहां पर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है, तो ये वाई आपका परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तो ये एक्स अगर है तो ये वाई भी परपेंडिकुलर हुआ, वाई भी, यानी ये PY PY हो सकते हैं या ये PZ PZ भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। अगर एक्स एक्सिस है तो वाई भी उससे 90 डिग्री पर होगा, जेड भी उस पर 90 डिग्री पर होगा। क्लियर? अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये ऐसे मिलते हैं, अब ऐसे मिल रहे हैं, तो ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ऐसा नहीं, अगर इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको ऐसे भी बनाया जाता है,
यानी पाई बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे, दो बॉन्ड नहीं होते ये, एक ही बॉन्ड होता है। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक नाम और दे देते हैं हम इसको, ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो आप अब ये डाउट मत लेना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ये सब एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं ये सब चीजें, है ना। तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है या पाई बॉन्ड जो होता है वो इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे फैला हुआ होता है, इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे फैला हुआ होता है, यानी कि ये एक्स के ऊपर और नीचे पाया जाएगा, इसे ही पाई बॉन्ड कहा जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर पी एक्स की जगह यहां पर पी वाई होता इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो फिर पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बनता। अगर वाई होता इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो बनता पी एक्स पी एक्स, पी जेड पी जेड के बीच में। अगर जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता तो फिर परपेंडिकुलर होता पी एक्स पी एक्स, पी वाई पी वाई, इनके बीच में पाई बनता, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, अच्छा ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, तो इसको लिखते हैं ऐसे पी पाई बॉन्ड। कैसे लिखते हैं पी पाई बॉन्ड, कैसे लिखते हैं पी पाई बॉन्ड, अगला ये d ऑर्बिटल है x और ये एक्सिस y है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया डी एक्स वाई, एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लिए तो ये क्या हो गया अपना पी वाई। देखो इधर ध्यान से, ये ऑर्बिटल मैंने लिया है डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में जो लोब होती है उसे क्या कहते हैं हम डी एक्स वाई, दोबारा बोलो, एक्स और वाई के बीच में जो लोब होती है उसे क्या कहते हैं डी एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, तो ये आपका जो ये जो है वो वाई है, तो ये वाला भी वाई लेना पड़ेगा, इसलिए ये पी वाई लिया, ताकि जब मैं इस एक्स के अलोंग इसको लेके आऊंगा तो ये कैसा आएगा, देखो ये क्या कहलाएगा डी और ये पी, तो डी पाई पी पाई, पाई बॉन्ड बन गया। अगर मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, ये एक्स ये वाई, तो ये आपका भी क्या हो जाएगा एक्स ये वाई। तो अब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग आप इसको मिलाओगे तो देखो कैसा दिखेगा, देखो तो ये क्या कहलाएगा डी, ये भी डी, तो ये क्या बनेगा डी पाए डी पाए। तो ये आपके तीन तरह की पाई बॉन्डिंग आपने पढ़ी, पहली पी पाए, दूसरी डी पाए पी पाए, और तीसरी पी पाए मतलब सॉरी पहला पी पाए, दूसरा डी पाए पी पाए, और तीसरा डी पाई। यहां पर अगर आप ध्यान से ये देखें तो डी ऑर्बिटल की कितनी लोब आपस में मिल रही हैं, ये लोब कहलाती है। पहला डाउट ही आ जाएगा लोब किसे कहते हैं, ये जो होती है ना इसको लोब कहते हैं, एक लोब दो लोब तीन लोब चार लोब,
एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, ये कौन सी लोब है? चार लोब। चार में से कितनी लोब मिल रही हैं? सिर्फ दो लोबों के बीच में हुई ना, दो लोब हैं, ये मिल रही हैं, तो इसको एक लाइन और बोल देते हैं हम, टू लोब इंटरेक्शन। क्या बोला जल्दी बताओ? टू लोब इंटरेक्शन। तो जब भी डी ऑर्बिटल की टू लोब्स मिलेंगी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या बोला जल्दी बताओ? जब भी डी ऑर्बिटल की दो लोब मिलेंगी तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां सवाल देता था, इफ जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, आप उसने सवाल चेंज करा है, देखो ध्यान से समझना भाई, अच्छा सवाल है ये। ये अभी भी एक्स वाई है, ये अभी भी एक्स वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। अब जेड किधर है? ये वाली एक्सिस जेड होगी, ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ये क्या हो गई? जेड। ये एक्स होगी, ये वाई होगी, ये होगी जेड। अब दिमाग लगाओ, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आपको इस ऑर्बिटल को कहां से ओवरलैपिंग कराते हुए लाना है? जेड से। तो जब आप इसको जेड से लाओगे तो चारों लोब एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो यानी कि एक और ओवरलैपिंग हुई, और वो ओवरलैपिंग हम कौन सी पढ़ रहे हैं? फोर लोब इंटरेक्शन, और इसी फोर लोब को हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। फोर लोब इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से सुनना आप, अगर मान लो डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल है, इसकी लोब मान लो एक दो तीन और ये चार, इसके मान लो एक दो तीन चार, अगर ये डी ऑर्बिटल आ रहे हैं ऐसे 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 आके ऐसे मिलते हैं, इसका मतलब पाई बॉन्ड, और अगर ये आकर के ऐसे नहीं होकर के ऐसे वाली एक्सिस से मिलते हैं तो सारी लोब एक साथ मिल रही है, डेल्टा बॉन्ड। दोबारा सुनना, अगर वो आपके डी ऑर्बिटल हैं, ये लोब है एक, ये दो, एक दो, ये तीन चार, पीछे ले ले तीन चार, अभी आकर ऐसे मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? पाई बॉन्ड। टू लोब इंटरेक्शन इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। लेकिन अगर ऐसे नहीं आकर के ऐसे आगे मिलते हैं तो ये क्या कहलाया? डेल्टा बॉन्ड। इसमें चारों लोब मिल गए, देखो आप। आया ना? तो ये फोर लोब इंटरेक्शन से क्या बन रहा है? डेल्टा बॉन्ड। तो आपसे सवाल पूछेगा ये कि अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती, ये एक्स, तो इस एक्स के अलोंग आते ये, और ये आपस में टकराती, तो क्या बनता? पाई बॉन्ड। लेकिन अब बोला उसने कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? जेड का है यहां, तो आपको ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल इस एक्सिस से आना पड़ेगा, जेड से, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है उसी से आना पड़ता है। तो जब वो ऐसे आएगा तो इनसे मिलेगा और इन चारों से मिलेगा तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं।
करो सवाल। अब सवाल देगा आपको इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड इफ जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब जेड अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन ऐसा होगा जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सी ओवरलैपिंग से आप सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे? क्या बोल रहा है वो, कौन सी ओवरलैपिंग से आप सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे? तो अब यहां देखो वापस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड, तो यानी कि मेरे को यहां बनानी पड़ेगी ऐसे जेड, और अगर मैं जेड बनाऊंगा तो इस वाली एक्सिस पर कौन सा ऑर्बिटल आएगा जो जेड पे होता है, पी जेड, यहां कौन आएगा पी जेड, तो ये पी जेड मिलेंगे तो सिग्मा बनेगा, तो आंसर 3। क्लियर? अब ये दोनों क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, तो ये जेड के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, एक्स ये भी परपेंडिकुलर होगा ऐसे, तो ये पाई बनाएंगे, ये भी आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। क्लियर? इस तरह से सवाल आते हैं आपके पास। ठीक, अगला देखो, अब एक सवाल पूछ रहा है कि इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो आपका वो कह रहा है कि पी एक्स पी वाई में क्या होगा, पी एक्स प्लस पी जेड में क्या होगा, पी जेड प्लस पी वाई में क्या होगा, इन इनमें क्या होगा। अब अगर आपके पास x इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और वो बोल रहा है पी एक्स और पी वाई में क्या होगा, पी एक्स प्लस पी जेड में क्या होगा, पी जेड और पी वाई में क्या होगा, तो इसको समझना आप। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, x, मान लो ये x इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहां पर पी एक्स होगा आपके पास, पी वाई कैसे होगा, परपेंडिकुलर, तो ये आपस में ओवरलैपिंग कभी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इसके पास जाएगा लोब के पास, न्यूक्लियस और लोब में कभी ओवरलैपिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। तो सिचुएशन देखो कैसी बनेगी, अगर मैं पी एक्स लेता हूं तो ये पी एक्स तो ऐसा होगा, ये पी वाई है तो कैसा होगा, वाई इसके परपेंडिकुलर होगा, ये। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो सिचुएशन देखना कैसी होगी, ऐसी, यानी ओवरलैपिंग करने कौन आया, न्यूक्लियस आया ना इस एक्सिस पे, तो जब भी इस तरह से ओवरलैपिंग होती है तो ये ओवरलैपिंग मना होती है, ऐसे नहीं होती ऊपर नीचे हो गई, इसको मना करते हैं, नॉट, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको ऐसे परपेंडिकुलर ऑर्बिटल दिखे तो आपको बोलना ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो चलो बताओ क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि एक्स और जेड परपेंडिकुलर आएंगे ऐसे, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये जेड और ये परपेंडिकुलर आएंगे ऐसे। क्लियर? आया ना, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। अब जो हमने डेल्टा बॉन्ड पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था जरा बताना दोबारा, चारों लोब एक साथ आएंगी, यानी ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। इसके एग्जाम्पल आपको भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तब बनता है डेल्टा बॉन्ड, और डी ब्लॉक का भी हमें पता ही नहीं है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। तो मैं सिर्फ आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन, आप कोई डाउट नहीं पूछेंगे, ये है जस्ट इन्फॉर्मेशन कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास बन रहा है जो डेल्टा बॉन्ड है। ये कोऑर्डिनेट है और ये आपका जो कोऑर्डिनेट के बाद ये जो बन रहा है ये डेल्टा बॉन्ड है, ये इसके डी और इसके डी से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और आता है,
ये भी आपको अभी के लिए याद रखना है, क्योंकि ये मैं आगे बताऊंगा। आप प्लीज़ या तो फिर आप ये कहो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूं, और या फिर आप कहो कि नहीं नहीं सर लिख दो ना, क्या दिक्कत है, जब आएगा तब आप समझा ही दोगे, आप पर भरोसा है, कम से कम इन्फॉर्मेशन से नॉलेज तो बढ़ी। चार बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, कितने, चार बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, दो होते हैं पाई और एक होता है आपका डेल्टा। इन सबको मिलाकर सबको मिलाकर के क्वाड्रपल बॉन्ड बोला जाता है, इन सबको मिलाकर के क्वाड्रपल बॉन्ड बोला जाता है, इन सबको मिलाकर के क्वाड्रपल बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रपल बॉन्ड। क्वाड्रपल बॉन्ड। अब आपको घर जाके डाउट आएगा, सर ये विजुलाइज नहीं हो पा रहा, इसको कैसे विजुलाइज करें? नहीं कर सकते आप अभी, क्यों? ये है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की बॉन्डिंग आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगी आपकी कब? 12th क्लास में। तो आप जाके नोट करके घर पे इसको विजुलाइज करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि एक सिग्मा, दो पाई और एक डेल्टा को क्वाड्रपल बॉन्ड कहते हैं, और ये चार बॉन्ड होते हैं जिनमें से ये एक डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? ये एक डेल्टा बॉन्ड। क्या बना रहा है? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर? तो ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ी है, अभी तो हम बॉन्ड्स के नाम पढ़ रहे हैं। अब डेल्टा के बाद एक और होता है आपका फाई बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड बनता है डी ऑर्बिटल से। डी ऑर्बिटल्स में कितनी लोब बताई थी आपको? चार लोब। डी ऑर्बिटल में कितनी लोब बताई थी? बोलो, चार लोब। डी ऑर्बिटल में कितनी लोब बताई थी? चार। तो इसलिए डेल्टा बॉन्ड वाले के लिए लिखा था फोर लोब इंटरेक्शन। डेल्टा वाले के लिए क्या लिखा था? फोर लोब इंटरेक्शन। क्लियर? ये होता है आपका सिक्स लोब इंटरेक्शन, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो होता है उस एफ ऑर्बिटल में छह लोब होती हैं। ये देखो, ये होता है एफ ऑर्बिटल। मैंने तीन असीले अलग से बनाए, तीन 120 पे बना दिए ताकि आपको ग्रीन वाले दिख जाए तीन, और ये तीन आपके वाइट वाले। येलो चौक दिख नहीं रही यार, येलो से बना देता हूं। विजुलाइज हो गए? इसी तरह से यहां पर भी आएगा अगला एफ। ये तो जब ये छह लोब एक दूसरे से मिलेंगी, एक एक, दो दो, तीन तीन, तो जो बनेगा उसको बोला जाता है फाई बॉन्ड। यानी कि एफ ऑर्बिटल्स के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं फाई बॉन्ड। बस ये जस्ट इंफॉर्मेशन बताया मैंने, और ये ओनली वन मॉलिक्यूल में पाया जाता है, यूरेनियम। यूरेनियम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। यूरेनियम क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो एफ ऑर्बिटल होगा। एफ ऑर्बिटल अगर होगा, एफ ऑर्बिटल होगा तो सिक्स लोब होंगी, और सिक्स लोब होंगी और वो सिक्स लोब एक साथ मिलेंगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा फाई बॉन्ड।
और 5 बॉन्ड अभी पूरी दुनिया में एक ही मॉलिक्यूल में पाया जा रहा है, इसका नाम है U2। क्लियर? तो ये आपका 5 बॉन्ड हो गया। तो आई थिंक आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची, सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, ठीक है, इसी तरह से आपके पास आया डेल्टा क्या होता है, क्वाड्रपल बॉन्ड क्या होता है, 5 बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो मिटा रहा हूं मैं इसको, क्लियर। अब एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको, इफ जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, देन अब आपको बताना क्या क्या है, जैसे पी एक्स जेड है ना, पी जेड PY+PY डी चलो अब इन सब के बाद बताओ, किसमें सिग्मा, किसमें पाई, किसमें जेड, सॉरी किसमें डेल्टा, ये बनेगा। चलो बताओ फटाफट, ट्राई करो। अब चलते हैं अपन, शुरू करते हैं। Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो S प्लस पी जेड क्या बनाएगा, सिग्मा। PX बन रहे हैं तो क्या बनेगा, पाई, क्योंकि आपस में आएंगे। PZ आएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा। PY आएगा तो क्या बनेगा, पाई। अब जरा DXZ और DYZ को देखो, ऐसे बनेगा ये, ये आपका जेड आएगा और ये एक्स आएगा। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ, जब ये आपस में जेड जेड है तो ये मिलेंगे आपस में दो लोब, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो इससे क्या बना, DXZ YZ से पाई। लेकिन जब मैंने DXY बनाया ये, जब मैंने DXY और DXY बनाया तो अब जेड कहाँ है, जेड यहां होगा, तो यहां से ये मिलेंगे जेड, तो क्या बनेगा, डेल्टा। PX PY कोई बॉन्ड नहीं बनता, PY PZ कोई बॉन्ड नहीं बनता, PX PZ कोई बॉन्ड नहीं बनता। क्लियर, नोट करो इसको।
क्लियर। तो ये आपके पास वीबीटी के ओवरलैपिंग कंप्लीट। अब हम कल पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट क्लास में कि बॉन्ड जो बन रहा है कोवेलेंट उसकी स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीबीटी अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।